बता दें संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध आतंकी अजरुद्दीन को किया गिरफ्तार। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था यह अजरुद्दीन। जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ कनेक्शन भी बताया जा रहा है। सहारनपुर के अजरुद्दीन को एटीएस ने किया है गिरफ्तार। एटीएस मुख्यालय पर पूछताछ के बाद किया गया गिरफ्तार। भारत में जिहाद फैलाने का अजरुद्दीन पर आरोप है। आतंकी संगठनों से युवाओं को जोड़ने का भी काम कर रहा था। आरोपी के पास से कुछ पेन ड्राइव और वीडियो बरामद हुए। युवाओं के ब्रेन वॉश कर जिहाद से जुड़े साहित्य देता था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों से संपर्क की पड़ताल की जा रही है। सहारनपुर के कोतवाली मंडी क्षेत्र के निवासी अजरुद्दीन को गिरफ्तार एटीएस ने किया है। आतंकी गतिविधियों में संदिग्ध होने का उस पर शक है और इसलिए उसको पकड़ा गया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भारत में जिहाद फैलाने का सहारनपुर से ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। AQIS मॉड्यूल से जुड़े एक और आतंकी अजुद्दीन को गिरफ्तार किया है। अजुद्दीन के पास जो साहित्य मिला है वो हैरान करने वाला है। देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त अजुद्दीन इन्हीं साहित्य को पढ़कर तमाम युवाओं का ब्रेन वॉश करता था। आपको सबसे पहले हम वो तस्वीर दिखा देते हैं जो साहित्य अजुद्दीन के पास से बरामद किया है जांच एजेंसियों ने। उसमें सीधे तौर पर जो जिहाद है उससे संबंधित तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। और खास बात यह है कि इस साहित्य को बाकायदा PDF फाइल में कर अजुद्दीन अपने तमाम जानने वालों के पास भेजता था और उन युवाओं को यही साहित्य पढ़ने के लिए कहता था। हालांकि लुकमान की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार UPATS इस विषय में लगी थी कि कौन कौन इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हैं। ऐसे में अजुद्दीन जो सहारनपुर का रहने वाला है उसको UPATS ने गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि इस साहित्य में जिहाद से संबंधित तमाम जो चीजें हैं उनका जिक्र किया गया है और इसीलिए UPATS ने को जब ये जानकारी मिली तो उसके बाद UPATS ने इसकी गिरफ्तारी की है। इससे पहले 26 सितंबर को UPATS ने लुकमान को गिरफ्तार किया था और उसके बाद इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ था। ऐसे में अब फिलहाल कुछ पेन ड्राइव और कुछ वीडियोस भी जो हैं वो भी अजुद्दीन के पास से बरामद किए गए हैं। उनके बारे में भी UPATS पता लगाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल ये वो साहित्य है, आप देख सकते हैं कि इस साहित्य में उर्दू में बकायदा जिहाद से संबंधित तमाम चीजें जो हैं उनका जिक्र किया गया है और इसको PDF फाइल में बनाकर तमाम युवाओं को भेजा जा रहा था। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि करीब 40 अलग अलग जगहों पर अजुद्दीन जो है वो गया था लुकमान के साथ और उसके बाद ये तमाम साहित्य जो है ये उसने बांटे भी थे। फिलहाल UPATS अब उस नेटवर्क को और खंगालने में जुट चुकी है जो नेटवर्क उत्तर प्रदेश में पश्चिम यूपी में सक्रिय दिखाई पड़ा था और AQIS आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। कैमरामैन अमरेंद्र शाह के साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।